ए रुक जाओ, कौन हो तुम? सब आ गए क्या? क्या हम पूजा शुरू करें? शुरू कीजिए। हाँ। रुकिए। क्या हुआ दमयंती, तुम पूजा क्यों रोक रही हो? और क्या करूं मैं, आपने कहा था पूजा के वक्त तक त्रिशूल आ जाएगा, उसके बिना ही पूजा शुरू करना मुझे मंजूर नहीं। अरे वो आ जाएगा। बड़े मालिक, अगर वो आ ही रहा है तो हम थोड़ी देर रुक जाते हैं ना, उसके बिना आज पूजा शुरू करने का हम में से किसी का मन नहीं हो रहा है। दिग्विजय, इतनी देर इंतजार किया है तो थोड़ी देर और रुक जाते हैं। डैड, उन्हें कॉल करके पूछ लीजिए ना वो कहाँ है। पर मालिक बोल रहे हैं ना कि त्रिशूल आ जाएगा। सुनिए जी, मैंने ये नहीं कहा कि वो नहीं आएगा, पर उसके आने के बाद पूजा शुरू करें, बस मैं यही कह रही हूँ। सही कहा, उसे आने दो। हेलो त्रिशूल, अरे कहाँ हो तुम? पूजा के लिए सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अच्छा रास्ते में हो, ठीक है ठीक है। क्या कहा? पूजा शुरू कर दें? हाँ तुम्हें देर हो जाएगी ना बेटा, जल्दी आ जाओ, सब नाराज हो रहे हैं। हाँ ठीक है बेटा। सुनिए जी, एक मिनट, मुझे भी बात करनी है। कॉल तो कट हो गया, उसने कहा वो रास्ते में है, आ जाएगा। लेकिन मालिक, अरे कह तो रहा है रास्ते में आ जाएगा। त्रिशूल पूजा करवाना चाहता है, वो नहीं चाहता कि हम रस्मों को इस तरह से रोक दें। बाकी आपकी मर्जी है। बेचारे को कितना बुरा लगेगा। मालकिन, मंडप के सामने खड़े होकर पूजा के लिए लेट करेंगे तो अपशगुन हो जाएगा। पूजा शुरू करने दीजिए। ठीक है, वैसे भी वो आ ही रहा है ना, शुरू कर दीजिए। कहाँ चली गई है? कौन है और किस तरफ गई? कौन हो तुम? शिवानी, तुम यहां क्या कर रही हो? शिवानी, यहां पर एक लड़की भाग कर आई, क्या तुमने उसे देखा? किस तरफ गई? यहां पर क्या लड़की? कौन सी लड़की? तुम क्या बोल रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा त्रिशूल। शिवानी, तुमने जैसे कहा था कि यहाँ पर बस हम दोनों हैं, ऐसा नहीं है। क्या कोई और भी है यहाँ? मजाक मत करो त्रिशूल। शिवानी, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैंने अपनी आंखों से किसी और लड़की को देखा। मैं उससे बात करने गया तो वो मुझसे बचकर भाग गई। कौन हो सकती है वो शिवानी? पता नहीं क्यों मुझे ये जगह बहुत ही अजीब सी लग रही है। त्रिशूल, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुमने यहाँ किसी को नहीं देखा। इस पूरे द्वीप में हमें छोड़कर और कोई भी नहीं है। शिवानी, तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है क्या? वो यहीं कहीं आसपास होगी, ढूंढने पर मिल जाएगी। चलो। मैंने कहा ना त्रिशूल, कोई नहीं है यहाँ, ढूंढने की जरूरत नहीं है। शिवानी, सच में कोई है, मैं दिखाता हूँ, चलो। मैं कह रही हूँ ना, यहाँ कोई नहीं है। शिवानी,
क्या हुआ है तुम्हें? तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो? डैड, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या हुआ? अरेंजमेंट्स में कुछ कमी रहेगी, और ग्रैंड चाहिए था क्या? वो बात नहीं है डैड। तो फिर क्या त्रिशूल ने आपको सच में कॉल किया था? क्यों, तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि हम में से किसी को फोन ना देते हुए सिर्फ आपने उससे बात की। क्योंकि मैं उसका डैड हूँ, उसे मुझसे बात करनी थी। और कुछ पूछना है? वो किस फ्रेंड के साथ था, कुछ कहा उसने? नहीं, कुछ नहीं कहा। डैड, जब उसने फोन किया था तो मुझे देना चाहिए था, मैं उससे बात करके सब कुछ क्लियर कर लेता। आएगा तो क्लियर कर लेना। डैड, मुझे एक डाउट है, हमने फोन किया तो कनेक्ट ही नहीं हो रहा था, तो आपसे कैसे बात हो गई? उसने किसी और नंबर से कॉल किया था। डैड, मुझे वो नंबर दीजिए, मैं कॉल करता हूँ। अरे पता नहीं कहाँ से कॉल किया था, कह रहा था दूसरे नंबर से कॉल करेगा। आखिर डैड मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इतना क्या सोच रहे हो बेटा? डैड, मुझे त्रिशूल से बात करने का मन कर रहा था। अगर वो दोबारा कॉल करेगा तो मैं तुमसे बात करवा दूंगा। डैड जो बोल रहे हैं, अगर वो सच है तो क्या त्रिशूल वहां से भाग गया है? मायांगिनी के चंगुल से आजाद होना इतना आसान है? छे, त्रिशूल ये लो। क्या हुआ तुम्हें? मैंने उस तरह से बात की इसलिए नाराज हो गए हो, गुस्से में हो? नाराज या गुस्सा नहीं हूं मैं शिवानी। जब हमें शक होता है तो उसे तुरंत पूछकर माइंड से क्लियर कर देना चाहिए। तुम तो मुझे मौका ही नहीं दे रही हो, वही बात सता रही है बस। तो अब क्या उस जगह पर जाकर ढूंढना है क्या? ठीक है, चलते हैं। क्या शिवानी, तुम भी? वो वहां पर रहेगी क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल, तुम्हारी बातों से मैंने उसे देखा या नहीं, मैं इसी पर कंफ्यूज हो गया हूँ। अब उसे वापस ढूंढने जाकर कंफ्यूजन को बढ़ा दूं क्या? तो फिर तुम अगर ऐसे नाराज रहोगे तो मैं क्या करूंगी? पता है मुझे कितना बुरा लगा? तुम बुरा मत मानो, मैं अपने दिमाग से उसे निकाल दूंगा। शिवानी, तुम्हें फल देखकर कुछ याद नहीं आ रहा है क्या? त्रिशूल, हम जब ट्रिप पर गए थे मैंने तुम्हें यही फल तो लाकर दिया था, तभी तुम्हारी एंगेजमेंट कैंसिल हो गई थी और फिर हम दोनों वहाँ गए थे। हाँ, याद आया। ए, मेरे बोलने के बाद ही तुम्हें याद आ रहा है? मैं भूल जाऊँ तो तुम भी भूल जाओगी ना? मैं भूली नहीं थी त्रिशूल, तुम्हें ठीक से याद आया नहीं, मैं तो ये देख रही थी। ये भी कुछ कम नहीं है। हाँ? क्या कहा तुमने? अब कुछ नहीं, कुछ नहीं, मैंने कहा मुझे अच्छे से टेस्ट किया तुमने। शिवानी, तुम्हें सब कुछ याद है ना? आगे क्या हुआ था बताओ। वो क्या था ये बताओ। वो तुमने मुझे फल लाकर दिया, तुमने फल लाकर दिया, तुमने फल लाकर दिया। मैं तो दे ही रहा हूँ, बस तुम्हारा फ्लैशबैक आगे नहीं बढ़ रहा है। आगे क्या हुआ वो बताओ शिवानी। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो शिवानी, कुछ याद नहीं है तुम्हें? बात करो शिवानी। शिवानी, क्या हुआ तुम्हें? त्रिशूल, प्लीज तुम उन चीजों के बारे में बात मत करो। वो क्यों, तुम्हें कुछ याद नहीं है? याद है त्रिशूल, पर तुम बार बार वो सब याद दिलाओगे तो मुझे और तकलीफ होगी, इसलिए प्लीज त्रिशूल मुझे उस बारे में और मत पूछो। क्या शिवानी, अजीब सी बातें कर रही हो तुम। मैंने कहा ना तुम नहीं समझोगे, छोड़ो ये सब। ठीक है, जाने दो, नहीं पूछूंगा। लड़कियां ऐसी होती हैं, लड़कों का मुंह बंद करवाना हो तो तुम्हें नहीं समझेगा, छोड़ो ये बोल के चुप करा देती हो, है ना? पूजा के समाप्त होने तक त्रिशूल आ जाएगा आपने कहा था,
अब तो पूजा भी समाप्त हो गई, अभी तक त्रिशूल नहीं आया। मालिक, वो इतना देर क्यों कर रहा है? अब तक उसे आ जाना चाहिए था। डैड, उन्हें कॉल करके पूछिए तो सही, वो कहाँ है? यह था पर नॉट रीचेबल आ रहा है, करेगा वो, मुझे उसी का इंतजार है। ऐसा लग रहा है कि डैड नाटक कर रहे हैं। ये लो, त्रिशूल का ही फोन आ गया। हेलो त्रिशूल, ए कितनी बार फोन किया है तुम्हें, लेकिन तुम्हारा फोन लग ही नहीं रहा है। ओ ऐसा क्या, ठीक है ठीक है। त्रिशूल बेटा, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, कब तक आओगे बताओ ना। क्या कहा कल? उससे कहिए उसे आज आना होगा। तुम्हारी माँ नहीं मान रही है बेटा, कह रही है आज ही आना होगा। अरे आज नहीं, अभी आने को कहिए। सुना तुमने, क्या मुश्किल है? मालिक ये क्या बचपना कर रहा है, उसे आज ही आना होगा। हाँ सुनिए जी, आप फोन मुझे दीजिए, मैं बात करती हूँ। अरे नहीं दमयंती, वो दीजिए। हेलो त्रिशूल, सुन रहे हो ना बेटा, कुछ बात करो ना। माँ, तुम्हारी मीठी आवाज को सुने बिना कितने दिन बीत गए। ऐसे क्यों करते हो तुम बेटा, तुम्हारे बिना बताए जाने पर मुझे कितनी तकलीफ हुई है। माँ तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ। कहाँ हो तुम, कौन है तुम्हारा वो फ्रेंड? माँ मुझे दूसरा। हेलो भैया, कहाँ हैं आप, कब आएंगे आप? सुनो रीना, मैं आ जाऊँगा। हम सब यहाँ कब से आपका वेट कर रहे हैं। मेरा वेट क्यों कर रहे हो तुम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शादी की रस्मों को तुम कंटिन्यू करो, मैं बस आ ही रहा हूँ। रीना मुझे दो, मैं बात करती हूँ। हाँ दादी। अरे बेटा तुम इस घर के बेटे हो, तुम्हारे बिना शुभ कार्य कैसे करें हम लोग। ओए स्वीट 16, मैं आ रहा हूँ कहाँ ना, तुम्हें भी क्या स्पेशली बताना पड़ेगा, तुम मेरी बात नहीं समझ रही हो। गोविंदा ये लो। हेलो। हेलो गोविंद मामा, बहुत काम है क्या? मैं नहीं हूँ तो सारा काम आपको ही करना पड़ रहा है ना। सॉरी मामा, मैं जल्दी आ जाऊंगा, ठीक है ना? बाबा जल्दी आ जाओ, तुम नहीं हो तो यहाँ शादी ही नहीं होगी। हाँ मैं आता हूँ, शिवानी को फोन दीजिए। भांजे शिवानी से बात करना है उसे। हेलो शिवानी मैडम, कैसी हैं आप? ये त्रिशूल नहीं है, घर वालों को सच्चाई पता चलेगी तो उन्हें बुरा लगेगा, इसलिए अंकल झूठ बोल रहे हैं। क्या हुआ मैडम, कुछ बात क्यों नहीं कर रही है मैडम? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, तुम जल्दी से घर वापस आ जाओ। मैडम मेरी डार्लिंग कहाँ है? डार्लिंग आपको पता नहीं होगा ना, मेरी माँ कहाँ है, उन्हें फोन दीजिए। हाँ देती हूँ। हेलो डार्लिंग कैसी हो? मेरी बात छोड़ो तुम बेटा, तुम बताओ कि तुम कैसे हो, तुम्हारी बहुत याद आ रही है, जल्दी से घर आ जाओ। जल्दी आ जाऊंगा माँ, जल्दी आऊंगा। माँ त्रिविक्रम ब्रो को फोन दो ना। हेलो ब्रो, कैसे हो आप, शादी की तैयारियां अच्छे से हो गई ना? हाँ तुम कहाँ हो ब्रो? बस आ रहा हूँ ब्रो। ब्रो तुम्हें कौन लेकर गया था बताओ ब्रो। ब्रो बताता हूँ, वहाँ आकर सारे सवालों का जवाब देता हूँ, ठीक है ना, वो भी जल्द से जल्द। बाय। अब अच्छा लग रहा है, मन को कितनी शांति मिल रही है पता है। मालिक अभी जाके सबके जान में जान आई, अब देखिएगा घर के सारे काम सही से हो जाएंगे। त्रिशूल घर पर आ रहा है, मतलब क्या वो मायांगनी के साथ नहीं है? क्या वो उसे अपने साथ लेकर नहीं गई? सबसे पहले क्या हो रहा है ये चेक करना होगा, अभी वहाँ जाता हूँ। शिवानी तुम हमारे बारे में क्या सोचती हो? प्यार के लिए कुछ भी कर लेंगे, ऐसी जोड़ी है ना हमारी,
वो कैसे? देखो, तुम्हारा प्यार पाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। मैं तुम्हारे पीछे भागा और तुम्हें इतनी तकलीफ दी, और तुम मुझे ही भगाकर यहाँ पर ले आई। तुम मुझे भगाकर यहाँ लेकर आओगी, मुझे पता होता तो मैं ये सब करता ही नहीं ना। इस मंगलसूत्र को क्यों मैं अपनी जेब में रोज रखता? त्रिशूल, क्या तुम ये सच में मेरे लिए ही लाए थे? हाँ, सच में। क्या शिवानी, तुम भूल गई? ये मैं तुम्हें बांधने आया था और तभी तुमने मुझे मारा था। लगा तो मेरे गाल को था ना, तुम्हें क्यों याद होगा? छोड़ो त्रिशूल, तुम इसे अपने साथ क्यों लेकर आए? अगर गलती से तुम्हारा मन बदल गया तो तुरंत तुम्हें पहना दूंगा। मुझे ही पहनाओगे? क्या हम दोनों सच में शादी कर सकते हैं? तो चलो त्रिशूल, इसे अभी पहना दो, मुझे सुहागन बना दो। शिवानी, मजाक मत करो। नहीं, ये मजाक नहीं है। मुझे मंगलसूत्र पहना दो त्रिशूल, मुझे पहना दो। शिवानी, ऐसा अजीब बर्ताव क्यों कर रही हो? मैं अभी क्यों पहनाऊंगा? नहीं, अभी नहीं। क्यों? ये मंगलसूत्र मेरे लिए ही लाए थे ना, तो इसे मेरे गले में होना चाहिए ना। पहनाओ त्रिशूल, मैंने कहा ना पहनाओ। शिवानी, ये मंगलसूत्र मैं तुम्हें ही पहनाने लाया हूँ, पर हम अभी शादी कर रहे हैं क्या? उस दिन भी तो तुम मुझे पहनाने ही लाए थे ना, आज भी वैसे ही पहना दो। शिवानी, तुमने तब मुझे अपनाया नहीं था और कभी अपनाओगी यकीन भी नहीं था, पर कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि तुम मेरे प्यार को समझोगी और एक ना एक दिन जरूर मुझे अपनाओगी, इसलिए मैं इसे हमेशा अपने ही पास रखता था। मतलब तुम मुझे अभी मंगलसूत्र नहीं पहनाओगे? नहीं शिवानी, मैं शादी सिर्फ मेरे माँ बाप के सामने करूँगा। जब मैं मंगलसूत्र तुम्हें पहनाऊंगा, तब मेरे कुटुंब के पूरे लोग मेरे आजू बाजू होने चाहिए। हमारी शादी से उन्हें भी संतुष्टि होगी, हमारी जोड़ी देखकर उन्हें भी बहुत खुशी होगी। तुम जो बोल रहे हो वो सब सही है त्रिशूल, लेकिन अगर अभी हम उनके सामने गए तो वो हम दोनों को अलग कर देंगे, लेकिन अगर शादी करके गए तो उन्हें हमें अपनाना ही होगा। तो इसलिए उनके बिना ही हम शादी कर लें? नहीं शिवानी, मुझे बिल्कुल सही नहीं लगता। नहीं त्रिशूल, तुम ठीक से नहीं सोच पा रहे हो। मंगलसूत्र पहना दोगे तो सब ठीक हो जाएगा। पहना दो त्रिशूल, प्लीज पहना दो। शिवानी, प्लीज। मेरी बात समझो त्रिशूल, मैं हमारी भलाई के लिए ही बोल रही हूँ। मैंने कहा ना मंगलसूत्र पहनाओ, पहनाओ त्रिशूल, प्लीज पहनाओ त्रिशूल, पहनाओ। शिवानी, मैंने कहा ना ऐसा नहीं हो सकता है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है? तुम हो? मुझे लगा कोई और है और मैं उसका अंत करने आई थी। अच्छा हुआ कि तुम बच गए। यहाँ पर क्यों आए हो तुम? त्रिशूल कहाँ पर है? क्यों पूछ रहे हो? मुझसे क्या कहा था तुमने? त्रिशूल को कहीं दूर लेकर जाओगी, यही कहा था ना? झूठ क्यों बोला तुमने? तुमने तो कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन तुम उसे नहीं छोड़ोगी। मतलब तुमने जो कहा था वो झूठ था। तुम अपनी हद में रहो, समझे? तुमने जो कहा था वो तो तुमने नहीं किया, अब तुम मुझे सिखा रही हो। त्रिशूल ने घर पर कॉल किया था, क्या बोला पता है तुम्हें? आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं जल्द से जल्द घर पर लौट आऊंगा। उसकी बातों से तो यही लगता है कि तुमने उसे किडनैप ही नहीं किया। क्या कहा? उसने अपने घर वालों से बात की? ये संभव ही नहीं। वही तो, पहले मुझे भी यकीन नहीं हुआ, फिर मैंने उससे बात की, तब जाकर कहीं मुझे यकीन हुआ। वो मेरे साथ था, घर वालों से संपर्क करना नामुमकिन है। इस जगह पर एक बार कदम रखने के बाद मेरे सहमति के बिना यहाँ से कोई बाहर नहीं जा सकता। मतलब उसने जो हमारे साथ फोन पर बात की वो? वो तुम लोगों का भ्रम होगा। मैं उसे देखना चाहता हूँ। क्यों? मेरी बातों पे तुम्हें विश्वास नहीं है? ये विश्वास की बात नहीं है, मुझे बस उसे देखना है। त्रिविक्रम, तुम शायद अपनी मर्यादा को पार कर रहे हो, मेरे क्रोध को जगाओ मत। देखो, गुस्सा मत करो, मुझे बस उसे देखना है, फिर मैं यहाँ से चला जाऊंगा। ठीक है, इतनी विनती कर रहे हो तो मेरे साथ चलो। तुम्हारा थैंक्स नंदीश। मालिक, आप मुझे थैंक्स क्यों बोल रहे हैं? अगर तुम मिमिक्री
आर्टिस्ट के हाथों से त्रिशूल की आवाज में फोन नहीं करवाते तो मैं घर वालों को कंट्रोल नहीं कर पाता। नाटक करके घर वालों को तो शांत करवा दिया, असल में तो बात कुछ और ही है ना। त्रिशूल कहाँ गया है कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे भी उसी बात की टेंशन है, हर जगह पता कर लिया मैंने लेकिन किसी को भी कुछ नहीं पता। पता नहीं क्यों मुझे भी बहुत डर लग रहा है मालिक। अरे मुंह मत लटकाओ वरना लोगों को शक हो जाएगा। देखो मुझे लगता है कि हमें अपने डर को अपने अंदर छिपा के रखना चाहिए। कितने दिन रख पाएंगे मालिक, शादी भी नजदीक आ रही है और अगर कल भी त्रिशूल नहीं आया तो हम क्या बोलेंगे? बना देंगे एक और कहानी। झूठ बोलकर हम कितना मना पाएंगे सबको, पता नहीं क्यों हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, झूठ बोलकर ही मैनेज करना होगा नहीं तो त्रिविक्रम की शादी नहीं हो पाएगी। और अगर शादी रुक गई तो तुम जानते हो ना कि क्या होगा, ये मुहूर्त मिस ना हो चाहे कुछ भी हो जाए। इसमें कष्ट है लेकिन सह लेंगे हम। अब ये मानकर चलते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। वहां पर देखो त्रिशूल। त्रिशूल तो यही है, तो फिर डैड ने फोन पर किससे बात की थी? यस, इसका मतलब डैड इतने दिनों से ड्रामा कर रहे थे, जो मैंने सोचा वही सच है। क्या अभी भी विश्वास नहीं हुआ? विश्वास तो पहले से ही था पर घर वालों ने ऐसे कहा तो। मुझे तुम्हारे समर्थन की कोई आवश्यकता नहीं, तुम जा सकते हो। लेकिन मैंने कहा जाओ। ठीक है जाता हूँ। कहाँ चली गई है? हेलो, शिवानी जी यहाँ पर? हाउ इज इट पॉसिबल, ये यहाँ पर कैसे आ गई? क्या शिवानी तुम भी बैठे बैठे मुझे छोड़कर अकेले ही कहीं निकल जाती हो तुम? सारी जिंदगी हम साथ रहेंगे ऐसा बोलती हो और फिर मुझे ऐसे छोड़कर चली भी जाती हो तुम, ऐसा क्यों? I'm sorry त्रिशूल, इसके बाद तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। सच में? नो, नहीं, शिवानी जी यहाँ पर कैसे हो सकती है? ये मेरी शिवानी नहीं है, शिवानी सिर्फ मेरी है और वो सिर्फ मुझे ही मिलनी चाहिए, त्रिशूल को नहीं। मैं नहीं छोड़ूंगा इसे। शिवानी जी मुझे आने से मना क्यों कर रही है? आखिर यहां पर क्या चल रहा है? मायांगनी शिवानी के रूप में है, यह सब क्या हो रहा है? शिवानी क्या हुआ, कुछ बोल क्यों नहीं रही हो तुम? तुम पास होते हो तो मैं कुछ बोल ही नहीं पाती। शिवानी तुम मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती हो ना? बहुत। शिवानी पता नहीं क्यों तुम कई बार अजीब हो जाती हो, और तुम मेरी ही शिवानी हो या नहीं मैं ये सोचने लगता हूँ। क्यों शिवानी क्या हुआ है तुम्हें?
जैसी इच्छाएं तुम्हारी थी वैसी इच्छाएं मेरी भी थी। हम दोनों एक हो जाएं, ऐसे सपने मैंने भी देखे थे। अब हम दोनों साथ तो हैं, पर तुम मेरी शिवानी नहीं लग रही हो। तुम कहीं भी रहो, कितनी ही दूर रहो, मुझे हमेशा लगता था तुम मेरे साथ हो। तुमने मेरे दिल में घर बना लिया था शिवानी, और अभी ऐसा लगता है कि तुम बहुत दूर हो, लेकिन क्यों ये पता नहीं चल रहा। हम दोनों की मेड फॉर ईच अदर जोड़ी है, ऐसा मैं कितनी बार बोल देता था, पर हमारे यहां आने के बाद मुझे ऐसा महसूस नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि क्या मुझे तुमसे इतने दिनों से शादी करनी थी। प्यार प्यार बोलकर क्या मैंने ही नजर लगा दी। शिवानी बोलते ही मुझे कुछ हो जाता है, और वो आज की बात नहीं है, ऐसा लगता है जन्मों का रिश्ता हो। फिर भी प्लीज शिवानी, तुम बदलना मत, मुझे मेरी पहले वाली शिवानी चाहिए, मैं उसी से शादी करूंगा। मालिक ने आपके लिए जो सामान रखने के लिए कहा था इसमें रख दिया है। अच्छी बात है, रखो। देखो ना, ये लोग कहाँ चले गए हैं? अब कोई भी घर पर दिखाई नहीं दे रहा। रीना, डैड, मामा, भाई कहाँ हैं? अब क्या हो गया मॉम? और क्या होगा, निकलने में लेट हो रहा है, पापा को बुलाओ। लो, वो खुद ही आ गए। त्रिविक्रम कहाँ है? त्रिविक्रम कहीं बाहर गया होगा। होने वाला दूल्हा है, बाहर नहीं घूमना चाहिए, समझ में नहीं आता क्या? मुझे बता के गया है माँ, और मैंने उसे कहा रास्ते में आते वक्त शिवानी को लेकर रिजॉर्ट पहुँच जाए। ओह, तो फिर गोविंद कहाँ पर है? दादी माँ, मामा के बारे में क्यों पूछ रही हो? वो खुद बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना है, वो तो एक घंटा पहले ही रिजॉर्ट जाकर बैठ चुके हैं। ओह, भैंस गई पानी में, बस अब दिन भर बीबी के पल्लू पकड़ के घूमता रहेगा वो। नंदीश, घर पर आए मेहमानों का इंतजाम रिजॉर्ट पर कर दो। जी मालिक। ये शादी ग्रैंड होनी चाहिए, कोई कमी नहीं होनी चाहिए, जिसकी जो जिम्मेदारी है वो ठीक से निभाए बस। अभी जो चेहरे पर खुशी है ना, वो शादी खत्म होने तक ऐसी ही रहनी चाहिए। दिग्विजय, ऐसे क्यों बोल रहे हो? खुशी ऐसे ही बरकरार रहेगी, इतना ही नहीं ये खुशी दुगनी हो जाएगी, क्योंकि कल त्रिशूल जो आ रहा है, उसके आने के बाद देखिएगा शादी में चार चांद लग जाएंगे। ठीक है ठीक है, आप लोग चलिए। ठीक है, मैं सामान रखवा दूंगा, आप लोग चलिए। हाँ। त्रिशूल, त्रिशूल, हाय शिवानी जी, आप अभी तक तैयार नहीं हुई, लेट हो रहा है, जल्दी कीजिए। हाँ हाँ, जाती हूँ। क्या हुआ शिवानी जी, उखड़ी उखड़ी सी दिखाई दे रही हैं, क्या बात है? नहीं तो, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। शिवानी जी, किसे ढूंढ रही हो? और भी कोई आने वाला था क्या? नहीं। फिर आप वहाँ किसे ढूंढ रही हो? वो मैं कुछ सोच रही थी त्रिविक्रम। शिवानी जी, आप ऐसे वक्त बर्बाद मत कीजिए, जल्दी तैयार हो जाइए, सब हमारा इंतजार कर रहे हैं, रस्म शुरू होने वाली है। हाँ अभी आई, बस दो मिनट है, आप अंदर बैठिए ना। ठीक है।
अब क्यों आए हो तुम यहाँ मेरे पास? तुम तो मुझसे प्यार नहीं करते ना, फिर क्यों बैठे हो मेरे पास? क्या शिवानी ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मैंने कब कहा कि मुझे तुमसे प्यार नहीं है? तुमने ऐसा कहा तो नहीं, लेकिन तुम्हारा बर्ताव देखकर तो ऐसा ही लग रहा है। हमारे यहाँ आने से पहले तुम मुझसे कितना प्यार करते थे त्रिशूल, लेकिन अब तुम कितने बदल चुके हो। मेरे साथ होते हुए भी तुम्हें मेरी कमी महसूस होती है शिवानी। वो क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो गए? मैंने सच ही कहा ना, सारे लड़के बिल्कुल एक जैसे ही होते हैं। शादी से पहले अपनी गर्लफ्रेंड की हर बात उन्हें सही लगती है, वो कुछ गलत भी करे तो भी उन्हें कुछ नहीं कहते, लेकिन शादी के बाद उन्हें अपना असली रंग दिखाते हैं। नहीं तुम्हें ऐसा करना चाहिए था, नहीं तुम्हें वैसा करना चाहिए था। अब तुम बदल गई हो, बस यही बातें रह जाती हैं, है ना? सही कहा ना? शिवानी तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? ऐसा कुछ नहीं है, मुझे ऐसा लगा तो मैंने कह दिया। क्यों, तुम भी वैसा ही कुछ सोच रहे थे क्या? वो नहीं। अगर ऐसा है ना तो साफ साफ कह दो, तुम्हें शिवानी पसंद नहीं है ये सोचकर मैं तुमसे दूर हो जाऊंगी। शिवानी ऐसे दूर जाने की बात क्यों कर रही हो? अगर तुम किसी बात को लेकर श्योर नहीं हो तो तुम सिर्फ शक करते रहोगे, प्यार नहीं कर पाओगे। प्यार के मामले में हम किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते, जबरदस्ती किसी का प्यार हासिल नहीं किया जा सकता, और हासिल कर भी लें तो वो ज्यादा समय नहीं टिकता, हर पल उसे खोने का डर बना रहता है। त्रिशूल अब बस बहुत हो गया, इसे यहीं खत्म कर देते हैं। शिवानी तुम ये कैसी बातें कर रही हो? हमारे प्यार की खातिर मैं घर छोड़कर यहाँ आया और तुम इसे ही खत्म करने की बात कर रही हो? आखिर मेरी शिवानी ऐसा सोच भी कैसे सकती है? क्यों शिवानी, क्या बात है? शिवानी को भूल जाओ त्रिशूल, वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। शिवानी ठीक नहीं है मतलब? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, तुम ऐसे खुद की बुराई क्यों कर रही हो? ये प्यार व्यार से अब मैं थक चुकी हूँ। शिवानी प्लीज, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो सॉरी, सॉरी शिवानी। शिवानी तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगी ना? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ शिवानी, मुझे तुम्हारी हर एक शर्त मंजूर है। शिवानी तुम मेरा हमेशा साथ दोगी ना? दूंगी। थैंक्स, थैंक यू। त्रिशूल अचानक रुक क्यों गए? अब भी तुम्हें शक है कि मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी? वो मैंने कहा ना, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अगले दो दिन हर पल सिर्फ तुम्हारे साथ ही बिताऊंगी, एक बार बस वो शादी का मुहूर्त बीत जाए। त्रिशूल मैं तुमसे ही बात कर रही हूँ,
तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? वो कुछ भी नहीं। शिवानी, पता नहीं क्यों ये जगह मुझे ठीक नहीं लग रही है। चलो हम उस तरफ जाकर बैठते हैं। किस तरफ? इस जगह में क्या बुराई है? शिवानी तुम चलो तो सही, मैं बताता हूँ। चलो शिवानी। त्रिशूल, क्या सोच रहे हो तुम? कुछ भी नहीं। परछाई में भी शिवानी सांप की तरह दिखाई दे रही है, कहीं मैं प्यार में धोखा तो नहीं खा रहा? त्रिशूल, क्या हुआ, अचानक रुक क्यों गए? नहीं, मेरी शिवानी सांप हो ही नहीं सकती, ये कोई और है। क्या सोच रहे हो तुम? कुछ भी नहीं, वो हमारी पुरानी बातों को याद कर रहा था। मेरा तुमसे पहली बार मिलना, मुझे तुमसे प्यार हो जाना, वही सब। अच्छा, लेकिन मैं तो तुम्हारे साथ ही हूँ ना, तो फिर वो बातें क्यों याद कर रहे हो? क्यों शिवानी, तुम्हें ये सारी बातें याद नहीं है? नहीं नहीं, याद है, सब याद है। तो फिर जरा बताओ मुझे, हम पहली बार कहाँ मिले थे? वो बाहर मिले। बाहर कहाँ? अब मुझे क्या पता कि ये शिवानी इसे कहाँ मिली थी। इसके ऐसे बार बार सवाल पूछने से कहीं मैं फंस न जाऊं। मुझे कैसे भी करके बात को घुमाना होगा। कहो शिवानी, बाहर मतलब कहाँ? घर, घर। मतलब घर के बाहर ना? हाँ, वही। मैं दीवार चढ़कर आया था ना? हाँ, वो तो मैं भूल ही नहीं सकती। सच कहा, हमेशा याद रहेगा। शिवानी, अब तुम्हारी हेल्प के लिए तुम्हारे साथ दो लोग थे ना, उनका नाम क्या था? मुझे याद नहीं आ रहा। शिवानी के साथी कौन हो सकते हैं? मुझे तो कुछ नहीं पता, अब क्या करूं? वही जो बिल्कुल एक जैसे दिखते थे, उनका नाम क्या था? उनका नाम क्या हुआ शिवानी, याद नहीं आ रहा? ठीक है, जाने दो। शिवानी, हम दोनों घूमने गए थे, याद है? और तब गांव वालों ने मिलकर हमें एक नाम दिया था, तुम्हें याद है? ये मुझे सवाल पर सवाल क्यों पूछे जा रहा है? कहीं से मुझ पर शक तो नहीं हो गया? शायद यही बात है। बोलो शिवानी। त्रिशूल, तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो मुझसे? वो क्योंकि हमें हमारे बच्चों को हमारी लव स्टोरी सुनानी है ना, इसलिए। बताओ। इन सब की कोई जरूरत नहीं, तुम रहोगे ना, तुम खुद बता देना। मैं तो बता सकता हूँ, लेकिन अगर कभी मैं भूल गया तो? इसलिए किसी को तो याद होना चाहिए ना, मैं बस इसलिए पूछ रहा हूँ शिवानी। बोलो शिवानी। ये नहीं मानने वाला, लगता है मेरा भांडा फूटने वाला है। क्या हुआ शिवानी, तुम्हें सारी बातें सच में याद नहीं, या तुम मैंने याद नहीं करना चाहती हो? तुम्हारी एक दोस्त थी, ये तो याद होगा ना तुम्हें? हाँ हाँ, वो याद है। जरा उसका नाम तो बता। वो बोलो शिवानी, अपनी दोस्त का नाम कैसे भूल सकती हो? वो इस दुनिया से दूर जा चुकी है, वो तो याद होगा ना तुम्हें, कौन सा दिन था? तुम ही तो कह रही थी वो दिन तुम कभी नहीं भूलने वाली, फिर आज तुम कैसे भूल गई? नीली तुम्हारी दोस्त थी, उसकी मौत कैसे भूल सकती हो? वो कुछ और बोलो शिवानी, वो की माला क्यों रट रही हो?
बोलो शिवानी, बताओ, कहो, बताओ तुम कौन हो, बोलो। तुमने ठान लिया है कि किसी का जवाब नहीं दूंगी, या फिर जैसे तुमने कहा था ज्यादा याद आने पर तुम्हारा प्यार और बढ़ जाएगा, बोलो। हाँ, प्यार ज्यादा बढ़ना चाहिए इसलिए। जब तुम्हें हमारी पहली मुलाकात याद नहीं है तो प्यार बढ़ने से क्या मतलब है? छोड़ो इन सारी बातों को, मुझे जवाब चाहिए। बोलो शिवानी, जवाब दो। मुझे वक्त चाहिए त्रिशूल, ऐसे अचानक मुझसे इतने सारे सवाल करोगे और जवाब दो चिल्लाते रहोगे तो मैं क्या कहूँ? तो अब तुम्हें वक्त चाहिए है? कुछ याद नहीं आ रहा है? आएगा भी नहीं। हजार क्या, मैं लाख सवाल भी पूछ लूँ तो तुम्हें एक भी जवाब नहीं आएगा। जानती हो क्यों? क्यों? वो क्योंकि तुम शिवानी हो ही नहीं, तुम कोई और हो। त्रिशूल, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? ऐसा क्या कह रहे हो कि मैं शिवानी ही नहीं हूँ? मैं तुम्हारी शिवानी हूँ। पहले मेरे सवाल का जवाब दो। तुमने मेरे एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया क्योंकि तुम मेरी शिवानी हो ही नहीं, तुम कोई और हो। त्रिशूल, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन तुम मेरा दिमाग खराब कर रही हो। तुम मेरी शिवानी नहीं हो, बल्कि तुम इंसान ही नहीं हो, तुम सांप हो।